हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की बायोलॉजी लर्निंग की, किस तरह से हम उनके एग्जांपल्स और डाटास को हम लोग याद करें। ठीक है, तो ये देखो, पीछे आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन मार्क पे बैठा हुआ एक आदमी है ना। ये कुछ आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को कि ये वही आप लोग स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। वो प्रॉब्लम्स है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम लर्न कर रहे हैं बट हमें याद नहीं रह रहा है, हमें जो स्कोर करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही है कि हमें 340 प्लस जो है वो स्कोर करना है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि क्वेश्चंस की हमें चीजें याद है, लेकिन पेपर जब एग्जाम करने बैठते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है और गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। तो हम लोग लेके आए हैं उस चीज का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बोला कि टाइम लिमिटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है और बायोलॉजी भी करना है। ठीक है, इस टाइम के टेंशन के अंदर आप हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाने से सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको हमें करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाती है रट्टा मारना। जैसे ही टाइम का बर्डन आता है हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम फटाफट से लर्न करें बायोलॉजी को, उसको छोड़ दें, बट आप भूल जाते हैं कि बायोलॉजी इज द बॉस, क्योंकि 50% स्कोर नीट के अंदर आपके पास जो आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। आपको इसको टाइम देना है, रट्टा मारने में नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो क्रिएट हो सकती है कंफ्यूजन, क्योंकि आप लोगों ने याद तो इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, करेक्टर कर लिए, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने करेक्टर सारे याद कर लिए हैं, कॉन्ट्रिक्थीस फिशेज के भी और ऑस्टिक थीस फिशेस के भी, बट कंफ्यूज हो गए कि वो किसके थे। ठीक है, तो यहां पर हमें चाहिए एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें इन कंफ्यूजन से निकाल सके। तो हम लोग लेके आए हैं वो सॉल्यूशन, वो राइट मेथड जिसके थ्रू आप लोग इन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड आप लोगों के बायोलॉजी लर्न करने का जो है, जो सब लोग डिस्कस करते हैं, मैं भी सही बात बोल रही हूं क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है, कि आप चार्ट, टेबल और मैप बनाकर याद कर सकते हैं सारे कैरेक्टर, एग्जाम्पल और सारे के सारे डाटास को। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास में, आप बना के ट्राई करिए। क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा अपना मोड चेंज करते हैं ना, कि लिखने का तरीका ही अगर हम चेंज करते हैं तो वो ज्यादा हमें चीजें जो होती है इमेजिनेशन करके याद रहती है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज, डायग्रामेटिकली, डायग्राम्स, इमेजेस जो होती है हमें बहुत अच्छे से याद होती है। अगर मैं आपको एप्पल बोलूं तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन अगर मैं एप्पल उठा के आपको दिखाऊं, बोलूं कि ये एप्पल है, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से याद होगी। बहुत छोटा सा बच्चों वाला मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, बट ये समझाने के लिए आप लोगों के लिए कि डायग्रामेटिकली अगर आप किसी चीज को याद करते हो वो आपको बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम याद रहती है। बट उसके बाद में जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है आपकी ट्रिक्स। आप चाहे तो ये जितने भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है इनके लिए कुछ जो ट्रिक्स होती है उनको बना के आप इन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ समझाने के लिए कि आप कैसे ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज भी हमें बड़ी कंफ्यूज करती है, हमें समझ ही नहीं आता है हम किसके लिए बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस एंड डायोशियस। ये चार कंडीशन है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, यूनि हम लोग याद करते हैं, यूनि का मतलब हमेशा क्या होता है, वन से होता है। हम बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, राइट। बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब होता है टू, और हम लोग समझते हैं कि जिसके अंदर टू सेक्सेस प्रेजेंट है ऐसा ऑर्गेनिज्म, यानी मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। फिर कंडीशन आ जाती है मोनोशियस एंड डायोशियस, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे, मोनो का मतलब है अगेन वन से है, अगर सेम डेफिनेशन में जाए तो हमें मिलनी चाहिए क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें या तो मेल है या फिर फीमेल है, बट ये रोंग हो जाता है मोनोशियस के लिए। डायोशियस, डाई वर्ड आ गया, हम फिर से समझे इस चीज को कि टू यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल एंड फीमेल है तो उसको हम डायोशियस बोलेंगे अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाए, बट ये फिर से हो जाता है रॉन्ग कंफ्यूजन। जैसे हमें चाहिए ना टाइम के साथ में क्वेश्चन के आंसर देने, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखो, इसको हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। कैसे, एम फॉर मैरिज, अब ये तो आपको याद रहेगा ना, एंड डी फॉर डाइवोर्स। अब देखो,
मैरिज जब होती है तो दो पार्टनर मेल एंड फीमेल क्या आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ना मैरिज। तो आप याद रख सकते हो मोनोशियस मतलब जिसके अंदर क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेम प्लांट पे, मोनोशियस हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं ना, तो ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों सेम ही प्लांट के ऊपर है उसको हम बोलेंगे मोनोशियस। डायोशियस, डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद में क्या होता है, मेल पार्टनर अलग फीमेल पार्टनर अलग, राइट। तो यहां पे लर्न कर सकते हो डायोशियस मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, उसको हम बोलेंगे डायोशियस। नाउ द डिफरेंस समझ में आएगा, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, डायोशियस से है, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या हो जाता है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट जो है एक ही प्लांट के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंफ्यूजन ट्रिक, इस ट्रिक से हमारा सॉल्व हो जाता है, राइट। इसके बाद में एक और ट्रिक लेते हैं हम लोग। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ट्रिक है कि हम कैरेक्टर्स को भी कैसे लर्न करें, है ना। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो बेस्ड है अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर, वो इन फाइव कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। बट जो टेबल आप लोगों को दिया है एनसीईआरटी में, उसमें सेल वॉल और उसके साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कैरेक्टर दे दिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हमारे दिमाग में क्लिक क्या करेगी, टेबल, हम बोलेंगे हाँ भाई सेल वॉल दिया था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया था, ये तो होंगे ऑप्शन में। लेकिन वो वहीं पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इनका ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इन फाइव क्राइटेरिया पे। अब हम ये क्राइटेरिया भी याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है, सी टी मॉल में रेखा पगली, सिटी मॉल में रेखा पगली, सी फॉर सेल टाइप, टी फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मॉल फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेखा के रे से रिप्रोडक्शन, एंड पी फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी सिटी मॉल में रेखा पगली, एक लाइन आपको सिंपल सी याद करनी है और उसमें आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो याद हो जाते हैं। एक और यहाँ पे ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, वो ट्रिक जो है वो बड़ी हमारी पुरानी ट्रिक है जो हम लोग अप्लाई करते थे, रीसीपीएमटी। रीसीपीएमटी का मतलब ये हो गया, सीपीएमटी पहले नीट एग्जाम नहीं होता था, पहले जो है वो स्टेट वाइज अलग और सेंट्रल जो है उसका अलग एग्जाम होता था सीपीएमटी, तो उससे बनी है ये सीपीएमटी, वापस से सीपीएमटी हो रही है। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, री फॉर रिप्रोडक्शन, सी फॉर सेल टाइप, पी फॉर यहां पे आ जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एम फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद हो गए हैं पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक एक सिंपल ट्रिक से, री सीपीएमटी नाउ आपके पास में पता है, ठीक है। एक और हमारे पास में ट्रिक है, बड़ी छोटी छोटी बेसिक ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। देखो ये सीरीज दी है, कई बार ऐसा होता है कई सारी चीजें होती है जो सीरीज में आपको मेंशन होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके ऊपर एम्स में क्वेश्चन अभी अभी आया है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सीरीज में दी होती है कि कौन सा बॉडी पार्ट किसके बाद में आता है, तो हम उनको भी सीरीज को भी ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। मैं बट एक सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ, आपके जो आपकी सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी के अंदर, उनको हम कैसे लर्न करें, तो यही सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। इसको लर्न करने के लिए हमारे पास में ट्रिक है, किंग्स पीसीओ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, राइट। अब पीसीओ तो आप समझ ही रहे हो, मोबाइल अभी चलते हैं, पहले मोबाइल नहीं चलते थे तो पीसीओस होते थे, तो वहां पे ऐसा होता था ना कि बात करने के लिए हम लोग जाते हैं अपनी फैमिली से। तो किंग्स एक पीसीओ है जो बड़ा ही फेमस है फॉर द गर्ल स्टूडेंट, मैंने यहां से फेमस हटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो एफ एफ से, क्योंकि यहां पे हमें एक ही एफ चाहिए फॉर द फैमिली, इसलिए लाइन कुछ ऐसी बनी, किंग्स पीसीओ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, किंग्स फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फॉर से एफ से बना फैमिली, देन जी फॉर गर्ल्स एंड एस फॉर स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई लड़कियों की, अब बॉयज बोलेंगे कुछ हमसे रिलेट करते हुए भी तो होना चाहिए था, तो एक ट्रिक है बॉयज के लिए, वो चाहे तो उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, कोहली, भाई सबका फेवरेट है विराट कोहली, तो कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। अब देखो ये एस जो है ना वो मैंने यहां लगा दिया है, रीजन ग्राउंड्स बनाया है क्योंकि यही लाइन बहुत अच्छी बन रही है। तो कोहली के से किंगडम, पी फॉर फाइलम, देन क्रिकेट, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एंड इस एस से बन जाएगा स्पीशीज।
तो कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स, बॉयज के लिए भी हमारे पास में एक ट्रिक है ना, देखो हमने कितना अच्छा सा सेपरेशन कर दिया, तो आप इन ट्रिक से याद कर सकते हो। अब एक और चीज, कई बार क्या होता है कि आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर मैंगो और हम ह्यूमन बींग्स इन सबका क्लासिफिकेशन दिया है, बट वो क्लासिफिकेशन जो लिखा गया है ना उसका ऑर्डर स्पीशीज से स्टार्ट हो रहा है किंगडम की तरफ जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठते हो और आपसे पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का नाम पूछ लिया जाता है कि उसका ऑर्डर बताइए, कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो होमोसेपियंस है इनका ऑर्डर क्या है, अगर आप इस सीरीज में उसको काउंट करते हुए इसका ऑर्डर बताएंगे तो वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो मेंशन कैसे है, स्पीशीज टू किंगडम मेंशन है। तो आप चाहें तो वो कैटेगरीज जो है वो स्पीशीज टू किंगडम इस सीरीज में भी लर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। देखो कबड्डी खेल रही है भाई लड़कियां, तो एस से वही स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम एंड के फॉर किंगडम। तो आप उस सीरीज को ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने एग्जांपल्स, डाटास को और आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बुक में उनको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। बट हम देखो यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ेंगे वो विद द कंफ्यूजन पढ़ेंगे कि हमें कंफ्यूजन कहाँ आ रही है, उसी के साथ हम कुछ ट्रिक्स जो है वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक्स पसंद में आई है तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, मुझे जो भी सजेशन देने वो कमेंट बॉक्स में लिखने, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ट्रिक्स इस तरह की आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।